एल्पेनलीबे भी जस जेली सो फ्रूटी, सही में पेड़ों पे उगती है। इतनी फ्रूटी क्योंकि बनी है 25% फ्रूट पल्प से। एल्पेनलीबे जस जेली। ऐसी ड्राइंग बुक और पेंसिल है, इससे तुम जो भी ड्राइंग बनाओगे वो जिंदा हो जाएगा। अब तुम लोग इस कैंपिंग का पूरा मजा ले सकते हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हमें मजा नहीं लेना है, सिर्फ रुद्रा को परेशान करना है। हाँ जानती हूँ, उसी में तो तुम्हारा मजा है। अब जाओ तुम लोग। अरे फ्लेम जो हमारे पीछे पड़ी है। अरे फ्लेम्स तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे साथ डांस करना चाह रही है। अरे हमें छोड़ो, जिसने तुम्हें हमारे पीछे भेजा है उसी को जाकर सताओ। एवाइस का से वाइस का गो। रुद्रा, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैंने क्या किया? फ्लेम्स तो पहले हमारे पीछे लगी थी। मुझे तो पक्का डाउट है कि ये शरारत तुम दोनों ने की होगी।
क्या हुआ? हाँ? अरे तुम नदी के बीच में हो। मैं नदी के बीच में कैसे आ गया? डोंट वरी, कुछ करता हूँ। इबाइस का सिबाइस का मैजिकल हैंड क्रिएटो। हमारे पैर क्यों पकड़ लिए? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तुम लोगों की ही शरारत होगी। तुम ही लोगों ने मेरा बैग पानी में डाला है। हाँ हाँ, इन्होंने ही डाला है। ये क्या मजाक है? देखो, कैंपिंग में शरारत अच्छी होती है, लेकिन इस टाइप की शरारत नहीं जिससे किसी की जान को खतरा हो। कैंपिंग में थोड़ा सा मस्ती मजाक ठीक है, नहीं तो कैंपिंग का मजा क्या है? लेकिन व्हाट इज ऑल दिस? जेनी, जॉडी, तुम लोगों ने किया ये? अगर तुम लोगों ने शरारत की है तो सॉरी बोलो इनको। नहीं नहीं मम्मी, हमने पानी में बेड डालने की शरारत नहीं की थी। हमने सिर्फ रुद्रा का बेड टेंट से बाहर निकालने की शरारत की थी। शायद स्लोप पर से नीचे सरक गया होगा। ऐसी भी शरारत नहीं करनी है, सॉरी बोलो इनको। सॉरी रुद्रा। चलो बच्चों, अब सारे अपने अपने टेंट में जाओ। मुझे तो लगता है कि ये चाल इन तिकड़ी मम्मी और बच्चों की ही है। ये हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कल हमें अलर्ट रहना होगा। अरे, ये आवाज कैसी आ रही है?